हे फ्रेंड, दिस इज इंदु सांगवान एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंदु कुल आर्या। और ये मेरा थर्ड व्लॉग है इस चैनल पर। आपने पहले वाले व्लॉग्स को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। और आज का रूटीन तो कुछ खास नहीं था। सुबह उठे, खाना वाना खाया और उसके बाद मैं सेंटर चली गई। उसके बाद स्टडी करने के बाद अभी आई हूँ मैं, शाम को 6 बजे वापस आई हूँ। अभी बजे हैं 7। तो यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बारिश आ रखी है और ठंड सी हो रखी है, थोड़ी थोड़ी ठंड हो रखी है। तो बारिश में कुछ अच्छा सा खाने का मन है, अनहेल्दी ऑब्वियसली, बट चटपटा खाने का मन है। तो मैं आज अभी बनाऊंगी एक रेसिपी, मुंबई की फेमस बड़ा पाव की रेसिपी। और ये रेसिपी मैंने चुराई है। अगर आप सभी जानते हो संभावना सेठ एंटरटेनमेंट, मैं उनको फॉलो करती हूँ, अभी मैं उनके व्लॉग्स देखती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। तो जब लॉकडाउन हुआ था तो उस टाइम उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपी बनाई थी, तो उनमें से एक बड़ा पाव रेसिपी मैंने देखी और मैंने उनको फॉलो करके बनाई और बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। ट्रस्ट में बहुत अच्छी है, मैं बनाऊंगी, आप प्लीज़ देखना और बनाना अपने घर पे, बहुत अच्छी बनेगी और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। और बड़ा पाव बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिएंगी वो सब हमारे घर में नॉर्मली रहती हैं। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो बड़ा पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम उबालेंगे आलू, जो मैंने उबाल के रख लिए हैं। अपने हिसाब से आपको जितने बड़ा पाव बनाने हैं उस हिसाब से आप आलू उबालें। और इसके बाद मैं बनाऊंगी धनिए की, पुदीने की, मतलब पुदीना मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास है तो आप यूज़ करो, मेरे पास नहीं है तो मैं ये नहीं यूज़ कर रही हूँ, धनिया। तो फ्रेंड्स, मैंने चटनी बना ली है और देखो कलर थोड़ा अजीब आया क्योंकि इसमें धनिया की है, तो आप चाहो तो पुदीना डाल सकते हो। और मैंने लिया है बेसन, उसमें थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली है, उसका बैटर बनाएंगे। और कैसा, कितना पतला और कितना मोटा बनाना है वो आपको मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। इसके बाद मैंने जो आलू उबाले थे उसमें मैंने कुछ मसाले डाले हैं, जैसे कि सिर्फ गरम मसाला, नमक और हल्दी, बारीक कटे हुए प्याज और हरी मिर्च, सिर्फ इतना है। अब इसको ना बिल्कुल मैश कर लेंगे हम, ठीक है। अब मैश करने के बाद हम, चलो बताते हैं थोड़ी देर में क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल ले लिया है और मैं सरसों का, जो सरसों के दाने होते हैं, राई बोलते हैं, सरसों के दाने बोलते हैं, मुझे नहीं पता, इसका मैं तड़का लगाऊंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो हम जीरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैंने ये डाला, इसके बाद हमारा जो ये बैटर है मैंने इसका बिल्कुल, मतलब अभी तो मोटा मोटा है लेकिन इसको बिल्कुल सा महीन सा पेस्ट बनाएंगे, आलू का, प्याज का, हरी मिर्ची का, इसके अंदर कुछ मसाले। हाँ, टेस्ट करना मैं भूल गई, इसको टेस्ट करके देख लो कि इसका नमक कम ज्यादा तो नहीं है, और मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें नमक थोड़ा और डालूंगा। तो हमने ये बेसन का बैटर कुछ इस तरह बनाया है। एक्चुअली हमें इसका करना क्या है, जो हमारा ये आलू का जो पेस्ट है इसको ठंडा करके इसके ना गोले बनाएंगे और उन गोलों को हम इस बेसन में लपेटेंगे और उनको फिर हम तलेंगे, आपको मैं दिखाऊंगी। तो अभी जो ये पेस्ट है, कहाँ गया दिखाने के लिए, तो इस पेस्ट को ना हम इस प्लेट में अच्छे से फैला देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो जब तक हमारा ये आलू प्याज का पेस्ट ठंडा होता है, हम करते हैं हमारा कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं। ओके, शॉर्ट सॉन्ग। क्योंकि बड़ा पाव बनाने के लिए मैंने ब्रिटानिया का पाव लेके आई हूँ, मैं ये यूज करूंगी। तो पहले मैं इसको सेट कर लेती हूँ पाड़ के, फिर उसको बाद में करते हैं। ये मेरा ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जो ये आलू प्याज का। और ये लाइव आए हुए हैं पिंकी प्रोजेक्टिंग जो मुझे ओके तो आपसे मैं कुछ बातें कर रही थी जब तक ये ठंडा होता है, क्योंकि हमारे लोगों को भी भूख लगी है। हमारे लोगों को, हमारे लोग तो हमारे जो घर में है और उनको भूख लगी, वो बड़ा बेसब्री से वेट कर रहे हैं बड़ा पाव का। लेकिन ये यहाँ पे वीडियो चल रही है, यहाँ भी वीडियो चल रही है, बट टाइम तो लगेगा। तो फ्रेंड्स, ओह गॉड, मेरी तो देखिए यहाँ पे बड़ा बैटरी लो हो गई थी, ये ऑयल गर्म हो गया है, ये तो मैं हाँ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा बड़ा पाव मैंने ज्यादा टाइम तक खाया नहीं है, ज्यादा खाया नहीं है, मैंने सिर्फ एक दो बार खाया है और मैंने होम मेड, यानी कि मैंने खुद ने बनाया है। और मैं सच में चाहती हूँ कि मैं कभी मुंबई जाऊँ और मुंबई का बड़ा पाव खाऊँ, ऐसा मतलब ये अगर इतना टेस्टी होता तो वो कितना टेस्टी होगा। तो आप ना प्लीज कमेंट में ये बताना कि आपको बारिश के टाइम में कौन सा चटपटा फास्ट फूड बोल सकते हैं, तो कौन सा पसंद है आप कमेंट में जरूर बताना।
और मैं इतना तेज से बोल रही थी कि पिंकी तो ना अपना लाइव लेके भाग गई है, डिस्टर्ब हो रही थी। जो जो लोग लाइव देख रहे हैं तो अरे ये देखिए ये क्या कर रही है, देखिए देखिए इनके हाथ में क्या है, बड़ा पाव। तो हम ना चार जने हैं, तो चार जनों के लिए अभी दो दो, अरे मेरा फोन गिर रहा है। ओके तो हम, अरे यार क्या हो रहा है, ये फोन गिर रहा है। तो हम चार जने हैं, तो चार जनों के लिए दो दो पाव, बड़ा पाव बहुत है। तो मैं सबसे पहले इनको ये मुझे करना नहीं आता, मतलब क्या होता है कि जैसे ये है, ये एक पाव है, इसको मैं। तो कुलदीप यहाँ पे पाव को सेट कर रहे हैं क्योंकि वो मुझे करना नहीं आया। तो हमें ना ऐसे कैंची नहीं चाकू के साथ काटना था और ऐसे फ्लैट करना था इसको, और इसके अंदर जो हमारा ये बैटर है आलू का, इसको जो हम गोले बना के जो भी करेंगे वो मैं दिखाऊंगी, वो इसके अंदर डालना है। हमें अपने जो ये बैटर है इसका इस तरीके से गोले बनाने हैं। इधर भी देखो, उधर भी फूल चल रहा है। तो ऐसे हमें क्या करने हैं, बैटर बनाने हैं, सॉरी बैटर नहीं बनाने, हमें गोले बनाने हैं आलू के। जो हमारा ये पेस्ट है इसके क्या बनाने हैं, गोले। और फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ, जो हमने ये बेसन का पेस्ट बनाया था इसमें हमें इसको डिप करना है, ठीक है, और फिर इसको हमें तेल में डालना। पीछे से कोई चिल्ला रहा है, बड़ा नहीं होता, बड़ा होता थोड़ा पास लेके आओ। आउच, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हमारा तेल थोड़ा कम है, आप थोड़ा ज्यादा लेना कढ़ाई में, क्योंकि फिर हमारे इसमें डिप होने चाहिए, लेकिन मेरे पास तेल कम था इसलिए मैंने कम डाला है। आप गरीब हो? गरीब नहीं हूँ, हमें मुझे पता नहीं था, मैंने देखा नहीं, मैंने ये चार बड़ा मेरे पक गए हैं और चार अभी और पक रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। चलो तो फ्रेंड्स, बड़ा पाव के साथ मिर्ची भी खाते होते हैं, अगर आपने कभी खाया हो, कभी देखा हो टीवी में। तो हम क्या करेंगे, जो तेल में ये साबुत मिर्ची, ये मेरा फेस के ऊपर है कैमरा बिल्कुल, एक तो थोड़ा दूर करो ना। तो हम इन मिर्ची को डालेंगे तेल में, लेकिन ध्यान से, क्योंकि एकदम से उठ लेंगी, और हम क्या करेंगे, डालते ही इसको बंद कर देंगे। डालो, 1 2 3 जल्दी आओ और खाओ और बताओ कैसा बनाया। मैंने बोलो, बताओ, बोल के बताओ कैसा बनाया। नो वर्ड, झूठे इंसान। तो फ्रेंड्स, बड़ा पाव वट एवर बहुत टेस्टी बने हैं। तो आप मेरी इस रेसिपी को जरूर फॉलो करना, और अगर आपको मेरी पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, बाय, टेक केयर।